मैम आपको नंबर बोल रहा है हाँ चुप है आप इसको बोल रहा है चुप रहे चुप शांति में रहती हूँ शांति में जाती हूँ। गाली गलौज का नोएडा में ये दूसरा मामला सामने आया है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर का बंदा है जो एनक्रोचमेंट कर रहा था, छोटे प्लांट बड़े प्लांट्स लगा रहा था। बड़े प्लांट्स वो बहुत पहले लगा चुका था, अब छोटे प्लांट्स लगाए। मैंने आके बोला कि ये प्लांट्स हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था। मैंने हटाए तो बोलता है अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूंगा। इस मामले में भी जब आरोपी को पकड़ लिया गया नोएडा के उनके मकान के ऊपर कार्रवाई हुई, तब जाके रहवासियों को शांति प्राप्त हुई। और अब ये मामला आया है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या था पूरा मामला, उस वीडियो को, फिर गार्ड की बात और वहां के रहवासियों की बातचीत, इस सब पे नजर डालेंगे इस वीडियो के दौरान। मैम आपको नंबर बोल शांति में रहती हूँ शांति में जाती हूँ। दिल्ली से सटे नोएडा में गालीबाज नेता के बाद अब एक गालीबाज महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो नोएडा के थाना सेक्टर 126 की जेपी सोसाइटी का है। वायरल वीडियो में नोएडा की हाईटेक सोसाइटी में रहने वाली महिला एक गार्ड को भद्दी भद्दी गालियां देती दिखाई दे रही है। वहीं इस दौरान वो गार्ड के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की भी करती नजर आ रही है, जबकि वहां मौजूद दूसरे गार्ड उसे ऐसा नहीं करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। एक बार बवाली महिला का वीडियो भी आप देखिए। इसको बोल रहे चुप रहे शांति में रहती हूँ शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि पड़े हो गए हैं यहाँ पे सिक्योरिटी लग के सारे के सारे सब। वीडियो के वायरल होने और इस बदतमीजे के खिलाफ लोगों में गुस्सा बन जाने के बाद पुलिस की कार्रवाई हुई, उनको हिरासत में लिया गया, इस संबंध में पूछताछ की गई। पता ये चला है कि ये पेशे से वकील हैं, ये जो महिला हैं ये वकील हैं, मिस राय नाम बताया जा रहा है इनका। अब आगे इसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस बीच आप वीडियो में देखिए कि गार्ड सुपरवाइजर और वहां के रहने वाले क्या कहते हैं, हालांकि उनकी जमानत भी हो गई है। शाम करीब 5:30 के समथिंग की बात है, तो हमारा एक लड़का अनूप नाम का लड़का है, अनूप कुमार, वो हमारे आउट गेट पर जो है अपनी ड्यूटी पर तैनात था। तो करीब करीब 5:30 बजे के आसपास में वो महिला आती है जो कि हमारे PC 11 901 में रहती है, फ्लैट में अकेले रहती है वो। तो कल वो कुछ ओवर ड्रिंक किए हुए थी, तो वो जो है अपना बेसमेंट से पार्किंग से निकल कर आती हैं। अब उन्हें देख के हमारा गार्ड जो अपना रोज की जो उसका रूटीन है, उठ के गाड़ी खोलता, गेट अपना खोलता है गाड़ी निकालने के लिए। बाद में उन्होंने एक साथ गाड़ी गेट के जस्ट खड़ी कर दी। मैं अपनी एंट्री छोड़ करके गेट खोलने के लिए गया, तो थोड़ा सा जगह कम पड़ रही थी गेट खोलने के लिए। मैं बोला मैम प्लीज आप गाड़ी थोड़ा पीछे कर लीजिए ताकि आप जा सके बाहर। जाने के बाद में उन्होंने वो मेरे को अब भाषा बोले, अब शब्द बोले, गाली दी मेरे को। उसके बाद मैं बोला मैम आप मेरे को गलत क्यों बोल रही हैं, मैं तो आपसे कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। ये इतने ही उन्होंने गाड़ी ऑफ करके उतर के आई। आने के बाद मेरा पोंछा पकड़ा उन्होंने, फिर और ज्यादा मेरे को गालियां दी। मैं बर्दाश्त करता गया, मैं अपनी जगह छोड़ करके वहां से हाथ छुटा करके दूसरी जगह पे जाके खड़ा हो गया। हमारे जो सीनियर सुपरवाइजर हैं जिनके अंडर में मैं ड्यूटी करता हूँ, सुनील जी और पवन जी, मैंने उनको फोन करा, उनको बुलाया, मैं सर ऐसे से बात है, मैडम मेरे से ऐसे बदसलूकी कर रही है, बदतमीजी कर रही है, तो प्लीज आप आ जाइए। वो वहां पर आए समय पर ही, आने के बाद में हमारे सुपरवाइजर साहब ने उनसे पूछा, रिक्वेस्ट की कि मैम क्या बात है क्या बात नहीं है। तो उन्होंने पूछने के बाद में सुपरवाइजर साहब से भी अब शब्द बोले, गालियां गलौज जो भी किया कुछ बात नहीं सर। उसके बाद में फिर मेरा गृहमान उन्होंने पकड़ के एक साथ मेरे को ढकेल सा दिया, यानी खींच दिया। तो मुझे सर अपने आप में बहुत बुरा लगा। तो मैं इतनी ही कहनी चाहता हूँ मीडिया में कि सिक्योरिटी गार्ड की सर कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम इनके लिए आधी रात खड़े रहते हैं, हरी मुसीबत में सब बात में इनके साथ हैं। प्रोफेशन शी इज लॉयर और ये PC 15901 में रह रही हैं और अभी ये मई में ही शिफ्ट हुई हैं। अच्छा। तो कोई भी इनके बारे में बहुत कुछ जानता नहीं है।
और जब ये घटना हुई तो क्या कोई सोसाइटी के लोग मौजूद नहीं थे उन लोगों ने नहीं उस समय नहीं थे, हमारे सुपरवाइजर्स वगैरह थे, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और भी गार्ड्स इकट्ठे हो गए थे, तो उन्होंने फिर इस घटना को कैप्चर किया, वीडियो बनाया, क्योंकि हम लोग कहते हैं हमेशा कि अगर कुछ हो रहा है, कोई मारपीट आपके साथ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा बना सोसाइटी की, आप बतौर सोसाइटी क्या सोसाइटी के लोग अब कुछ एक्शन लेंगे इन महिला? हमने सुबह भी पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, पुलिस आई थी सुबह भी, तो अब उसके बाद पुलिस एक्शन ले रही है और हम हमारी सिक्योरिटी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर काम किया है तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और उनके साथ बदतमीजियां हुई है, तो हम अब फिलहाल महिला पुलिस की हिरासत में है, पुलिस इस मामले को लेकर आगे की। तो अब ये मैडम को कल देखा गया कि गार्ड को एकदम गेट पे आके गाड़ी रोक दिया, फिर जिसकी वजह से गेट नहीं खुल पाया और थोड़ा सा डिले हो गया, जिसमें उन्होंने अपना आपा खो दिया। हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी गाड़ी एंट्री होती है, एग्जिट होता है, तो उसका हम नंबर नोट करते हैं, तो वो प्रोसीजर को फॉलो करने में करीब 30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड या 20 सेकंड लग जाते हैं कई बार। ये लेडी, हम लोग भी चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो